कसरावत में पिछले एक महीने से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले में अहिल्यापुरा और मगरखेड़ी की टीमों के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें अहिल्यापुरा की टीम ने प्रथम इनाम 51,151 और मगरखेड़ी की टीम ने द्वितीय इनाम 31,131 रुपये जीता है। राष्ट्र वंदन फाउंडेशन कसरावत के तत्वावधान में जितेंद्र पाटीदार आर्य मित्र मंडली द्वारा स्वर्गीय सुरेंद्र जी पाटीदार गुरु पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कसरावत की स्मृति में कसरावत नगर के स्कूल ग्राउंड पर आयोजित रात्रि टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में राष्ट्र वंदन फाउंडेशन के संयोजक जितेंद्र पाटीदार आर्य, वरिष्ठ समाज सेवी त्रिलोक डंडीर, विधानसभा में पूर्णकालिक वासुदेव ने विजेता टीमों को इनाम वितरण किया। आयोजन में व्यवस्था में शामिल कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। हजारों दर्शकों ने क्रिकेट का आनंद लिया। अतिथियों का स्वागत सम्मान जितेंद्र पाटीदार आर्य द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। सभी खिलाड़ियों को बधाई, शुभकामनाएं और दर्शकों अतिथियों का आभार माना एवं राष्ट्रीय वंदन फाउंडेशन व पूरी आयोजन समिति को बधाई, शुभकामनाएं देकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जितेंद्र भैया, लगातार एक महीने से मैराथन जो कार्यक्रम है वो चला आ रहा था और हमने देखा कि कसरावत के सबसे छोटे गांव से, कसरावत तहसील के सबसे छोटे गांव से ऐसी प्रतिभाएं जो सामने आई, ऐसा लगा कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का मैच देख रहे हैं। तो क्या था आपका आइडिया और किस तरीके से आपने इस प्रतिभाओं के लिए काम किया? राष्ट्रवंदन फाउंडेशन के माध्यम से मां नर्मदा कप का आयोजन 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के दिन से किया जा रहा है। आज एक महीने से ऊपर 17 तारीख हो गई है, 1 महीना 3 दिन हो गए हैं। लगातार 235 टीमों के 3500 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है और हमारा उद्देश्य है कि कसरावत विधानसभा के प्रत्येक गांव से प्रतिभावान जो टीमें हैं, प्रतिभाओं को उभारना इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य है। आज भी एक छोटे से गाँव अहिल्यापुरा के खिलाड़ियों ने फाइनल में पहुँच कर और प्रथम इनाम प्राप्त किया है। मैं पूरी टीम को और अहिल्यापुरा ग्राम के सभी यहाँ पर ग्रामवासी भी आए हैं, खेल प्रेमी सभी बंधु यहाँ पर जिन्होंने खेल का आयोजन, इस आयोजन में भाग लिया और लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहे, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार करना चाहता हूँ और पूरे खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। छोटे से गाँव के छोटे छोटे खिलाड़ी जो कि सबसे कम उम्र के 30-32 साल के अंदर के सारे खिलाड़ी है, इन्होंने प्रथम इनाम प्राप्त किया है, इनको पुनः बहुत बहुत बधाई। दूसरा इनाम हमारे मगरखेड़ी के छोटे से ग्राम मगरखेड़ी के खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है, उनको भी और उनके गांव से भी जो आए हुए सभी दर्शक बंधु हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। भैया, जिस तरीके से कसरावत में खेल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्या स्टेडियम की आवश्यकता महसूस होती है? स्टेडियम जहां पर हम ये खेल का आयोजन किया गया है, यहां से स्टेडियम का प्रस्ताव बन के तैयार है और हमने हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी को इसका प्रस्ताव भेजा है और बहुत जल्दी यहां पर खेल मैदान का भी निर्माण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आज इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी टीमों के खिलाड़ी, यहां के सभी दर्शक और इस आयोजन में सहयोग करने वाले सभी एम्पायर, गांव के सभी कार्यकर्ता बंधु, पूरे कसरावत नगर और आसपास के क्षेत्र के आए हुए सभी नागरिक बंधु, यहां का पुलिस प्रशासन, पत्रकार मित्र और सभी ग्रामवासियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।